भाई जेड टू थी अपने पास, आज 4 दारी आई थी जिसके जी अंदर हमने 2 दारी में काम कंप्लीट करके भेज दिया। ठीक अब है 2 दारी बची है, वो दारी तो तल जाए थी। जो जी पहली दारी थी सुबह तक हमारा इंटीरियर वाला जिसमें ऑलमोस्ट सारा ही काम हुआ है, जी उसकी वीडियो आप तो नेक्स्ट दिन मिल जाएगा। ये पहले हम कंप्लीट हो गया तो इसकी बात करते हैं भाई। ये लास्ट दारी अपनी जो सबसे पहले आई थी, इसमें कुछ प्रीमियम क्वालिटी काम हुआ है जिसमें बेस टू टॉप ऑलमोस्ट सारा ही काम हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी हुआ है। इसकी वीडियो आप तो नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट मिल जाता है। अभी आप लुक चेक कर सकते हो प्रॉपर, अभी इसका काम चल ही रहा है। अब ये काम चल रहा है भाई, इसमें ये कुछ इंटीरियर रहने वाला अपना यूनिक इंटीरियर रहने वाला इस बार का इसमें। हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो हमारा ये मिलने वाला आपको। ठीक है भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसमें वीडियो मिलने वाला है भाई, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इसके अंदर फुल्ली लोडी काम हुआ, म्यूजिक भी अपग्रेड हुआ, डैम्पिंग उम्पिंग सारा ही काम हुआ है। ठीक है भाई सारा काम यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। बाकी भाई जो मेन गाड़ी आपकी आई तो इसमें दिखाते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑटो मैजिक कार डेकोर। और भाई आज आपके सामने यहाँ पे देखने मिलेगी भाई एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार स्कॉर्पियो एन भाई एक आपके सामने एरी। ठीक है जिसके अंदर भाई अच्छी खासी मोटिवेशन आपको देखने मिल जाएगी। एक एरी दूसरी एरी जिसके अंदर काम चल रहा है, सब में काम चल रहा है। एक गाड़ी एरी इसकी जो वीडियो आपने पहले देख ली, अलग वीडियो आपकी आई थी, और जो ये है भाई आज की वीडियो में ये रहने वाली है। ठीक है तो भाई इसके अंदर बता दूं भाई, पहले तो जेड टू वेरियंट है, कम्प्लीट जेड टू है, एक नहीं दो नहीं तीनों चारों जेड टू है। ये देख सकते हैं भाई यहाँ पे काम चल रहा है, अभी नीचे फॉग लाइट के यहाँ पे बेजल लग चुका है। ये कुछ आपका बेजल की लुक रहती है यहाँ पे, फिटमेंट वगैरह कुछ नहीं रहती है, क्वालिटी वाइज बढ़िया रहेगा। और बाकी ये देखो भाई महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरीज आपको सारी की सारी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है भाई मतलब क्वालिटी वाइज बढ़िया चीज़ है, जेन्युइन चीज़ आपको मिलती है यहाँ पे। बाकी बात किया क्या कुछ हो रहा है तो भाई इसमें दिखा दूँ, पहले तो आगे फॉग लाइट यहाँ पे इंस्टॉल की जा रही है। हेडलाइट में अभी हैलोजन है, हेडलाइट के अंदर आप एलईडी का ऑप्शन लगवा सकते हैं, एलईडी के आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलता है जो कि यहाँ लगने वाले हैं। ये दिखा दो भाई, ये देखो भाई 2 साल की वारंटी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। भाई 180 वॉट आपको अच्छा खासा पैक्स पावर देखने मिल जाएगा, क्योंकि भाई 180 जो वॉट है ना भाई बहुत अच्छी और बहुत अच्छी लुक के साथ और अच्छा थ्रो भी मिलता है, जिसमें बैटरी पे भी कोई लोड नहीं पड़ता। सेकेंडरी बात की जाए भाई ये देख सकते हैं यहाँ पे तो फ्रंट ग्रिल में यहाँ पे लगना है, ऊपर क्रोम आइटम जेन्युइन महिंद्रा का देख सकते हैं, महिंद्रा जेन्युइन रहने वाला ही। एंड भाई ये लगे पूरा यहाँ पे फ्रंट पीस, एक पीस ऊपर, बाकी 6 पीस यहाँ पे नीचे लगेंगे जो कि आपके डब्बे के अंदर पैक है हमारे। बाकी बात की जाए फुट रेस्ट यहाँ पे इंस्टॉल होना है, टॉप मॉडल वाला ब्लैक कलर का फुट रेस्ट रहेगा। ठीक है साइड बिडिंग सारी निकाल रखी है, जो भी यहाँ पे लग के आई थी उसकी जगह हमने सिल्वर फिनिश वाली टॉप मॉडल वाली यहाँ पे इंस्टॉल करी है जो कि आपके सामने रहने वाली है। सेकेंडरी बात की जाए हैंडल में कोई अपग्रेड नहीं है, अंदर की तरफ सीट कवर में यहाँ पे काम चला जो कि टॉप मॉडल लुक के आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ आपकी कटिंग की जाएगी, कटिंग करी जा रही है तो सिलाई खुलेगी मेनली, ऐसे कोई सीट कवर आपके खराब नहीं होंगे। अगर आपको कोई और लगवाना तो वो भी लगा सकते हैं, सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। सेकेंडरी बात के अंदर से भी अच्छे खासे काम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि भाई इसमें क्या कुछ करवा सकते हैं तो भाई इनर हैंडल अपग्रेड करवा सकते हैं, आपका ग्रैब हैंडल अपग्रेड हो जाएगा, स्विच अपग्रेड हो जाएंगे, स्विच प्लेट अपग्रेड हो जाएगी, सॉफ्ट टच हो जाएगा, साथ ही साथ आपका एमएल लाइट है तो वो भी आपका एमएल लाइट हो जाएगा। बाकी अच्छा खासा काम चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं भाई, पीछे की तरफ आपको ऑप्शन मिलता है वाइपर का, वर्किंग डमी दोनों मिल जाएंगे, एंड अगर आपको चाहिए वर्किंग तो वो तो है ही, डमी भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। ये कुछ आपके डब्बे रखे हैं अलॉय व्हील्स के डब्बे रहने वाले जो कि गाड़ी में इंस्टॉल होने वाले हैं, जिससे कुछ इस तरीके की आपको लुक मिलेगी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होने के बाद। ठीक है तो भाई ये तो पहली गाड़ी दिखा दी, दूसरी गाड़ी ये थी जिसके अंदर एक नॉर्मल बेसिक काम है लेकिन एक अच्छा काम आपको देखने मिल जाता है। तो भाई ये भी है लाइनअप तो आपको दिखाई दिया भाई, एक दो आगे फ्रंट में तीन जो कि आपके सामने खड़े हैं, वहाँ पे चौथी भी मैं एक बार दिखा दूँ चौथी की झलक, क्या कुछ इसमें काम चल रहा है, क्या कुछ है। जेड टू है, चारों जेड टू है, चार जेड टू भाई एक साथ आपको मिलेगी हमारी दुकान ऑटो मैजिक कार डेकोर पे। तो ये देखो भाई ले आया मैं तुम्हारे जेड टू के पास, ये रही तो भाई इसमें देख लो फ्रंट में यहाँ पे डीआर लग चुका है, फॉग लाइट लग चुकी है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे क्रोम आइटम इंस्टॉल हो चुके हैं। हेडलाइट की बात की है इसके अंदर हमने एलईडी अपग्रेड कर दी है, रिस्पॉन्स भाई अच्छा मिल जाएगा, साथ ही साथ भाई इसके अंदर और चीज़ें भी यहाँ पे काम चल रहा है, जैसे कि भाई दिखा दूँ तो अंदर की तरफ ये देखिए भाई सनग्लास उड़ रहा काम चल रहा है यहाँ पे, स्टेयरिंग के ऊपर मून रैप स्टेयरिंग किया गया है जो कि डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, और स्टिचिंग भी आपके यहाँ पे प्रॉपर आने वाली, स्टिचिंग में कोई इशू नहीं आएगा। बाकी एमएल लाइटिंग भी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, अभी वो चालू कर देंगे, अभी वायरिंग वायरिंग काम चल रहा है यहाँ पे इसलिए। बाकी इसके अंदर भी आप इनर हैंडल अपग्रेड कर सकते हैं, ग्रैब हैंडल हो गया आपका, स्विच प्लेट हो गए, स्विचेस हो गए, स्टॉपर्स, ये सब यहाँ पे आप करवा सकते हैं। तो अभी ये कुछ काम चल रहा है इसके अंदर, बाकी जो मेन गाड़ी है आपकी जो मैंने दिखाई थी वही मेन गाड़ी रहने वाली है, तो जैसे ही काम कम्प्लीट होता है मैं दिखाता हूँ क्या कुछ अपग्रेड है, क्या कुछ मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। भाई लाइनअप जो था लाइनअप पूरा कम्प्लीट हो चुका है, ये हमारी फाइनल गाड़ी है जो कि आपको दिखाने वाला था। तो
तो भैया क्या कुछ अपग्रेड है, कौन से मॉडल थे हमारे ये सारे? भाई जेड टू थी अपने पास, आज चार दारी आई थी जिसके अंदर हमने दो दारी में ताम कंप्लीट करके भेज दिया। अब दो दारी बची है, वो दारी तो तल जाए थी, जो पहली दारी थी सुबह था हमारा इंटीरियर वाला जिसमें ऑलमोस्ट सारा ही ताम हुआ है, उसकी वीडियो आप तो नेक्स्ट दिन मिल जाएगा। ये पहले हम कम्प्लीट होते हैं तो इसकी बात करते हैं। जो फ्रंट से हमने ताम किया जेनुइन डीआरएल डाला, महिंद्रा जेनुइन रहने वाला, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्विच के साथ बर्तिन रहने वाला, ठीक है। एक बार बर्तिन में आपको दिखा देता हूँ, वर्किंग दिखा देंगे, बट उससे पहले एक बार बताओ हेडलाइट में क्या अपग्रेड अपना? हेडलाइट के अंदर हेलोजन सेटअप आया था, इसके अंदर हमने एलईडी सेटअप डाला है, 180 वाट का इसमें एलईडी सेटअप लगाया गया हमारा। एंड अगर बात किया ग्रिल में क्या अपग्रेड अपना? ग्रिल स्लॉट चेंज हुआ, जो कंपनी से ब्लैक आता था इसको हमने क्रोम कर दिया सिल्वर, ये रिप्लेसमेंट पार्ट होता है, पूरा स्क्रू सिस्टम होता है, ये 7 पीस होता है कम्प्लीट, ठीक है भाई। 7 पीस के अंदर आता है कम्प्लीट, बाकी देखो ऊपर वाला प्लीज, और ये नीचे टोटल 6 पीस रहने वाले। उसके बाद हमने नीचे था स्ट्रीट प्लेट जेनुइन डाला टॉप मोटर वाली, ठीक है, टॉप मोटर। ये हमारा 3 लेयर पेंट होता है, 3 साल की गारंटी आ जाती है, 3 साल की गारंटी से। हाँ। चलो भाई 3 साल की गारंटी से आ जाती है। साइड प्रोफाइल की बात किया, साइड प्रोफाइल में क्या कुछ बड़ा, बट उससे पहले आपको रिस्पॉन्स दिखाते हैं। पार्किंग चालू है, फॉग लाइट बंद है, फॉग लाइट भी अब यहाँ पे ऑन हो चुकी है, ये आपको मिलता है कॉम्बिनेशन स्विच। एक बार हेडलाइट का रिस्पॉन्स दिखाओ, हेडलाइट में क्या रिस्पॉन्स है ये देखो भाई, ये हाई बीम है, ठीक है, और ये आपका लो बीम है, ठीक है, लो बीम है, हाई बीम, हाई बीम, बहुत अच्छा डिफरेंस आपको देखने मिल जाएगा। ब्राइट सेटअप रहने वाला है और डिस्टेंस भी आपको अच्छा खासा यहां पे फुल्ली ब्राइट सेटअप मिल जाएगा आपको रोड पे। देखो भाई रात में तो भाई एकदम आराम पा रहे हो, कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है जी। बाकी अगर बात किया साइड प्रोफाइल में क्या कुछ अपग्रेड, साइड प्रोफाइल में हमने 17 इंच अलॉय डाला जो स्टॉक टायर के अंदर रहने वाला है, ठीक है। किसी भाई तो 18 चाहिए वो भी अपने पास अवेलेबल होता है, ठीक है, 18 में यहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी बात की जाए इसके अंदर साइड प्रोफाइल के अंदर यहां पे भी अपग्रेडेशन है सारी, इसके अंदर भी हमने सिल्वर पेंट किया जो 3 लेयर पेंट वाला होता अपना कंप्लीट है। उसके बाद टॉप मोटर फुटरेस हमने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे, ये देखो भाई, देखो टॉप मोटर फुटरेस आपने इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद रूफ पे आ जाता है, रूफ पे हमने जेनुइन रूफ रेल डाला है, ठीक है, जो ब्लैक सिल्वर कंपनी की तरफ से आता है जी। अब बात की बैक प्रोफाइल में क्या कुछ अपग्रेड अपना? बैक प्रोफाइल से पहले हमने इसमें जो काम किया भाई, और भी काम किया इसमें, विंडो क्रोम, विंडो क्रोम किया गया, ठीक है। और बाकी हैंडल, हैंडल बॉडी पेंट हुआ पूरा, ठीक है, हैंडल बॉडी पेंट किए गए आपके जो कि मैट ब्लैक आते हैं इसके अंदर। गैलियो का डोर वाइजर जला, यहाँ पे रेड स्कॉर्पियन का रेड वैजिन मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद पीछे बैक साइड में बात करें तो अपने सेफ्टी गार्ड डाला डाइजिस ब्रांड का रहने वाला, ठीक है, और स्किट प्लेट सिल्वर नीचे देख लो आप, टॉप मॉडल वाला स्किट प्लेट सिल्वर भी आपको देखने वाइपर वर्किंग रहने वाला, वर्किंग वाइपर रहना, मैं दिखा रहा हूं वर्किंग, दिखाओ वर्किंग कैसे रहने वाली है भाई। वाइपर भी आपको वर्किंग मिल जाएगा साथ ही साथ, अगर आपको स्पॉइलर वगैरह भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। देखो कम्प्लीट ऑटो कट में रहने वाला है, कंप्लीट ऑटो कट रहेगा, जैसे भी आप कहीं से बंद करो, चाहे इधर आके बंद करो, आप कहीं आके बंद करो ऑटो कट के अंदर। बाकी स्पॉइलर की बात की जाए तो स्पॉइलर सिस्टम होता है बॉडी पेंट के साथ रहने वाला, ठीक है, बॉडी पेंट के साथ ही रहने वाला है। बाकी बस कुछ आपकी वर्किंग रहती है। एंड अगर बात किया बाहर से कुछ पीछे कैमरा दिखा दूँ, ये कुछ आपके कैमरे की प्लेसमेंट आपको देखने मिल जाती है, कैमरा क्लैरिटी अच्छी मिल जाएगी। सेकेंडरी बात की जाए इसके अंदर रिफ्लेक्टर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। बाकी अंदर चलेगा, चलो अनप्रेस करूंगा फिर अनफोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप एडजस्टिंग कर सकते हो इसको, ठीक है, जैसे मैंने राइट कर दिया, ये देखो अप हो गया जी, ये डाउन हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट जी, ये राइट, प्रॉपर यहाँ से हाथ में कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद इनर हैंडल की बात करें, जेनुइन टॉप मोड वाला हमने इनर हैंडल डाला, ग्रैब हैंडल जिस तो डी हैंडल भी बोलते हैं, ये भी टॉप मोड वाला रहने वाला, एमएल लाइट मल्टी कलर रहने वाली है जी। इसके बाद बात के अंदर की तरफ पेंट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे स्टोर पेन थी वो डले, ठीक है, वेलकम बोल सकते हैं। उसके बाद नीचे हमने 70 मैट डाला है, प्रॉपर 70 मैट भी इंस्टॉल कर दिया। सीट और प्रीमियम क्वालिटी सीट और चेक कर सकते हो भाई, भाई टॉप मोड वाली सीट का परफोरेशन के साथ यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। डिजाइनिंग है इस बार की, हर बार की भाई कुछ नया लेके आया, इस बार डिजाइनिंग परफेक्ट लेके आया है, एंड भाई क्वालिटी अच्छी है। स्टीयरिंग भी देखो, नॉन डिजाइन स्टीयरिंग रैप हुआ है, एमआईडी अपना ग्लॉस में चेंज हुआ है, जो कंपनी से एक तरफ आता मैट में उसको हमने दोनों ग्लॉसी कर दिया, ठीक है भाई, एमआईडी भी और आपके कंट्रोल भी, स्टीयरिंग कंट्रोल वो सब। उसके बाद स्क्रीन चेक करो भाई, प्रॉपर ओएम फिटिंग वाला स्क्रीन हमने इंस्टॉल किया इसके अंदर, ये तो पूरी चेंज लग रही है, ये पूरा सिस्टम चेंज हुआ है, ये पूरा सिस्टम चेंज है। हाँ। अंदर बैठ के दिखाओ यार क्या कुछ इसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं अपने को भाई। ये पूरा यहाँ पे नॉब मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन का, ये अनम्यूट म्यूट का हो जाता अपना, ठीक है। यहाँ से आप ये देखो स्क्रीन, देखो कितना स्मूथ चल रहा है जी, कंप्लीट यूट्यूब, एप्पल कार प्ले, ऑटो एंड्रॉइड सारा वर्किंग है, 360 भी वर्किंग है। इन फ्यूचर आपको 360 लगवाना है तो आप लगवा सकते हो, जिससे 8 से 10 हज़ार रुपए का खर्चा आता है, कंप्लीट 360 वर्किंग आ जाएगा इसके अंदर, पूरा सपोर्टेबल रहने वाला, पूरा सेट। हाँ, और ये फ्रेम इसके साथ ही आया, ये फ्रेम इसके साथ ही आया, ग्लॉसी फ्रेम रहने वाला भाई, चेक कर सकते हो आप, ग्लॉसी फ्रेम रहेगा। बाकी बात की इसकी, हमने डैशबोर्ड पे भी प्रॉपर लेदर रैप किया, यहाँ पे आपको माइनर सॉफ्ट टच मिल जाएगा,
का, जो आप ये देखो, और स्टिचिंग चित्र बिल्कुल स्ट्रेट रहने वाला है जी भाई, स्टिचिंग एकदम स्ट्रेट रहेगी आपकी, स्टिचिंग में नो इशू, क्वालिटी वाइज अच्छी है। इस साइड भी दिखा दूंगा, तो ये देखो ये भी क्वालिटी आपको अच्छी खासी देखने मिल जाती है। और ग्रैब हैंडल हमें इंस्टॉल किया है, ठीक है, ग्रैब हैंडल भी सनग्लास होल्डर इंस्टॉल किया है। यहाँ पे आप अपना प्रीमियम क्वालिटी सनग्लास होल्डर डाल सकते हो, ये देखो जी भाई प्रॉपर वर्किंग इसकी आपको मिल जाती है। बाकी भाई ये सब काम तो प्रॉपर यहाँ से, ये नहीं कि कहीं से गैप मिलेगा आपको, प्रॉपर फिट मिलने वाला आपको, विदाउट गैपिंग आपको सारा वर्क मिलने वाला है। ये चीज देखा जाता है, प्रोफेशनल काम करने के तरीका और बाहर जो मार्केट में आप करवाते हो, ये सब डिफरेंस आती है। वो कहीं से भी काट दे तो उनको पता ही नहीं होता साइज एक्चुअल काटना क्या है, ठीक है। तो भाई देख सकते हैं एक्चुअल प्रोफेशनल वर्क आपको मिल जाएगा, सारे जो वर्क है सारे प्रोफेशनल है। एंड भाई इस काम के लिए आना कहाँ पड़ेगा? एक ही दुकान है भाई, ऑटो मैजिक काट देते और करोल बाग, ठीक है। तो भाई आप आ सकते हैं ऑटो मैजिक काट करोल बाग, वहाँ पे आपको ये सारे प्रीमियम मॉडिफिकेशन मिल जाएगी, आपको सारे जेन्युइन आइटम मिलेंगे, आप प्रोफेशनल वर्क मिलेंगे, एंड भाई टाइम टू टाइम आपको काम भी मिल जाएगा। आप सुबह मॉर्निंग में आओ, ये गाड़ी आई थी हमारे पास 6 बजे के आसपास, टाइम चेक कर सकते हो टाइम क्या हो रहा है जी। मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, 11-12 बजने वाला, 12:15 हो रहा है, हमने गाड़ी कंप्लीट कर दिया है। लो भाई 6 बजे गाड़ी आई थी, बाकी इतना सारा काम था, मान लो 5-6 घंटे में गाड़ी कंप्लीट हो जाती है बेस टू टॉप, ठीक है। तो भाई अगर आपको भी ऐसा काम चाहिए तो भाई जैसे जैसे हमारे पास होता है, जैसे पेंट वर्क का काम होता है हम स्टॉक रखते हैं, ठीक है, हमारा टाइम बच जाता है जी। जैसे हम पेंट करवाते हैं आपके पार्ट तो करवाएंगे, अगर सुबह आप गाड़ी देते हो तो रात में फिर यही टाइम हो जाता है पेंट करवाने में, इसलिए सूखने में टाइम लगता है। हाँ ठीक है। तो भाई बाकी अगर आप पेंट करवाना चाहते हैं अलग से, तो आपको एक दिन पूरा लेके आना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको पूरा पेंट के साथ साइज मिल जाएगी।